तो एलर वेलकम गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो और इस वीडियो में मैं 137 और 138 चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं तो ईमा अपने पास ईमा बताती है कि जब मैं छोटी थी तब दोनों अलग और होते हैं फिर बाद में वो बात करते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं ईमा तो तुम अपना ध्यान रखना ऐसा बोलता है और फिर बाद में ईजा कहता है कि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे मैं तुमसे वादा करता हूँ और ईमा ये बोलती कि मैंने तुम्हें हज़ारों बार बताया हुआ है कि वो मेरा आधा भाई है मेरा सर नेम को रुका हुआ है फिर बाद में टाकी मिची सोचता है कि अगर ईजाने ईमा का भाई है तो इसका मतलब वो जानती होगी ईजाने के बारे में तो फिर बाद में जब उसने टाकी मिची ने ईमा से पूछा तब तो ईमा ने बोला कि मैं इतना ढंग से नहीं जानती क्योंकि तो मैं तीन साल की थी लेकिन मुझे एक बात पक्का पता है कि वो सेंचुरी के बहुत क्लोज था फिर वो एक चीज़ लेकर आती है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर होते हैं ईज़ान और सेंचरों के उनके और उसके अंदर कुछ ख़ास है कि नहीं है वो ईमा ऐसा पूछती है लेकिन ताकि मिची कहता है कि नहीं इसमें बस डेली लाइफ के बारे में लिखा हुआ है फिर बाद में उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला ड्रैक सोचता है कि ईज़ाने के बारे में कैसे जानता है मैं ये सोचता अच्छा फिर माइकी कहता है कि मैं बाहर अच्छी ताज़ा हवा लेने जा रहा हूँ फिर बाद में ताकि मिशी कहता है कि इसे क्या हो गया ड्रैगन कहता है कि अब समझ मैं समझ में आया मैं मेरा से दुख है ये सब इसकी गलती थी ड्रैगन कहता है कि माइकी की बात करना बंद करो वो इजारे बचपन में ही अपने परिवार से अलग हो गया था और जब वो छोटा था तब सेंचिर ने उसका ध्यान रखा तो टाके मुझे सोचता है अगर सिर्फ सेंचिर को ही उसकी मदद करता था तो वो माइकी के बारे में क्या सोचता है तो फिर उसने सेंचिरो ने ब्लैक ड्रैगन इजाने को दे दी और फिर बाद में उसने जल्दी से वापस माइकी को दे दी तब इजाने इजाने को जेलसी फीलिंग हुई बहुत ज़्यादा जेलसी फिर बाद में उसे समझ में आता है ड्रैगन को कि जब टोमन बनी Eight जनरेशन will कैरी ऑन तो eight जनरेशन को हराने के बाद eight generation का कैप्टन था वो ईजान था लेकिन वो नाइन जनरेशन में इन्वॉल्व था काजुटोरा उसकी वजह से तो ये सारी जलन की वजह से ईजाने ने ये प्लान बनाया था माइकी को ख़त्म करने का ये सब और फिर उसके बाद सेंचुरी को मर गया और उसने टैकन च्यू गैंग बनाई इस ने क्यों क्योंकि वो खुद के छोटे भाई को मारना चाहता था इसलिए और फिर बाद में हम देखते हैं कि टाके मिची एक चीफ वू को बुलाता है और चीफ को कहता है कि सॉरी तो मैं इस टाइम इधर बुलाने के लिए फिर चीफ व्यू कहता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली उसने बोला हाँ बहुत सारी मिल गई मुझे तो फिर चीफ उई को भी बात पता चल जाती है और वो कहता है अच्छा तो इसलिए टैकन च्यू बना था और वो अपने ही भाई से भाई से जलता है इजाने फिर बाद में टाके मिची कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि अब मैं ये सब खुद संभालने वाला हूँ और चीफू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और टाके मिर्ची बताता है कि नाउटो मर चुका है और अब मैं फ्यूचर में नहीं जा सकता चीफू कहता है कि क्या फिर टाके मिर्ची कहते हैं कि मुझे इन भाइयों की लड़ाई को ख़त्म करना होगा मुझे किस्या की और इस को मारना होगा मैंने खुद को मना लिया मैं उन्हें चाकू मार दूँगा मैं तुमसे मैं तुमसे प्लीज़ चीफ हुई तुम ये समझो सं, फिर चीफ़ हुई कहता है कि तो फिर फर्स्ट डिवीजन के फर्स्ट डिवीज़न के साथ क्या होगा और टाके मुझे कहता है कि ये ये फ़ाइट मेरी है फिर चीफ हुई कहता है कि नहीं ये तुम समझ नहीं रहे हो दरअसल क्या हुआ था मैं बताता हूँ तुम्हें सुनो टाके मिची ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं है मेरी बात सुनो सेंचुरी ने एक लेजेंड्री टीम बनाई थी फिर उसे ईजाने को दिया था लेकिन फिर उसे माइकी ने ख़त्म कर दिया उस गैंग को और उसके बाद मैं बाजी से मिला और अब मैं टोमन के साथ ही हूँ तो ये टोमन की एक तरीके से ये टोमन की लड़ाई हुई तो फिर इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न पक्का इसके अंदर है तो तुम समझ जाओ मिची और उसके बाद टाकी मिर्ची के दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है हम ये हम भी तुम्हारे साथ हैं और माइकी का दुश्मन टोमन का दुश्मन और ये सच है ऐसा उसके दोस्त कहते हैं फिर बाद में अकुन कहता है अगर तुम उनसे चाकू मार के उन्हें मार दोगे तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा फिर बाद में टाकी मिर्ची कहते हैं अकुन कहता है कि हमारी टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं है तो तुम अकेले नहीं हो फिर बाद में टाकी मिर्ची उस सबको थैंक यू कहता है और अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है फिर उसके बाद एक बंदा बाहर एक गाड़ी से बाहर आता है उनके बिल्डिंग के बाहर और वो कहता है एक बंदा गाड़ी से बाहर आता है और वो वो टोमन की यूनिफॉर्म में होता है तो टाके मिर्ची कहता है ये कौन है और उसके बाद वो वो उसे नीचे बुलाता है और टाके मिची नीचे चला जाता है और फिर वो बंदा कार से कार से उस बंदे को कहता है कि हाँ और कोई नहीं फिफ्थ डिवीज़न का कैप्टन होता है मोचुकुल होता है वो फेवरेट डिवीज़न का कैप्टन और फिर बाद में जीफ वी कहता है कि ये बंदा बुरा है ये ख़तरनाक है टोमन के साथ यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है और हमें मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाय बाय बाईस